राजधानी में बदमाशों का दुस्साहस लगातार बढ़ता ही जा रहा है। नॉर्थ जिले के विद्याधरनगर थाना पुलिस ने इन वारदातों पर लगाम कसते हुए चेन स्नेचिंग करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम मोहम्मद बिलाल है। आरोपी बिलाल ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर जयपुर में पावर बाइक के जरिए धनतेरस पर चेन स्नेचिंग की एक ही दिन में 4 वारदातों को अंजाम दिया और फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने बदमाश मोहम्मद बिलाल को दिल्ली से दबोच लिया। हालांकि पुलिस की कार्रवाई की भनक लगते ही आरोपी के दो साथी फरार हो गए। पूछताछ में आरोपियों ने करीब 2 दर्जन से ज्यादा वारदातों को अंजाम देना कबूल किया है। आपको बता दें कि बदमाशों ने जयपुर, दिल्ली सहित कई राज्यों में चेन स्नेचिंग की वारदातों को भी अंजाम दिया। गिरोह पर देहरादून पुलिस की ओर से 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। आरोपियों ने शिप्रापत थाना इलाके में स्कूटी सवार पर भी फायरिंग कर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। दो वृद्ध महिलाओं की चेन स्नेचिंग की घटना हुई। वृद्ध महिलाओं से चेन स्नेचिंग की गई, जिसमें 2 बाइक सवार सम्मिलित थे और घटना होते तुरंत पुलिस एक्शन में आई। उसके बाद आसपास के सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक किए गए तो संदिग्ध बाइक के एक नंबर फुटेज में कैद हुए। उसके बाद फिर तकनीकी सूचना एकत्रित की गई, उस आधार पर एक टीम गठित करके और दिल्ली रवाना की गई। और दिल्ली में जो संदिग्ध वाहन है और घटना में शरीक जो चालक था उस वाहन का, उसको दस्तयाब किया गया और प्रारंभिक जानकारी पर उक्त बाइक पर 3 लोगों का आना, जो तीनों ही दिल्ली के निवासी हैं और पूर्व में इस तरह की आपराधिक वारदातों में सम्मिलित रहे चेन स्नेचिंग जैसी घटनाओं में।